स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज में हम बात करेंगे मार्वल में दिखाए गए टॉप 10 सुपर हीरोज के बारे में। तो आप सब बने रहे इस वीडियो के साथ, और अगर आपको इस लिस्ट में से कोई भी प्रॉब्लम लगता है और अगर लगता है कि किसी हीरो को कोई और प्लेस में होना चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे सामने नंबर 10 में जो है उसका नाम है वॉर मशीन। वॉर मशीन यानी रोडी। रोडी का हमें अभी तक कोई अच्छा एक्शन नहीं दिखा, फुल पोटेंशियल नहीं दिखा, लेकिन वॉर मशीन बहुत ही ज़बरदस्त एक कैरेक्टर है, सुपर हीरो है, जहाँ हमने इन्फिनिटी वॉर में देख ही लिया कि रोडी ने कितनी देर तक वकंडन शील्ड के सामने उसने आउटराइडर्स को रोक के रखा था। लेकिन वहाँ पर हमें रोडी का जितना टाइम डिजर्व करता था रोडी, उतना टाइम वहाँ पर दिखाई नहीं गया वॉर मशीन का। और हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देख लिया कि रोडी आते ही कैसे अल्ट्रॉन पर टूट पड़ा। तो इसलिए हम इस लिस्ट में रोडी को ऐड कर रहे हैं नंबर 10 पर। तो हमारे सामने नंबर 9 पर जो है वो है स्पाइडरमैन, हम सबका पीटर पार्कर। तो स्पाइडरमैन पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उसने जो अभी इन्फिनिटी वॉर में जो उसका ब्लीडिंग एज आर्मर मिला उससे तो वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। हमने कैसे सिविल वॉर में देख लिया था कि स्पाइडरमैन ने अकेले ही एंटमैन जैसे कैरेक्टर को और पर जो फैल्कन और बकी को अकेले ही उसने स्पाइडरमैन ने हैंडल कर लिया था। तो दोनों को उसने अकेले ही हरा दिया था। और इसके साथ ही स्पाइडरमैन का जो एक खास चीज़ है स्पाइडी सेंस, जिससे वो दुश्मन का पहले ही पता लगा लेता है कि दुश्मन आने वाला है। तो ये स्पाइडरमैन का बहुत ही एक खास चीज़ है। और स्पाइडरमैन आयरन स्पाइडर के साथ, आयरन स्पाइडर जो टोनी ने दिया है उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है, तो इसलिए हम इसको नंबर 9 पर रखते हैं। और हमारे सामने नंबर 8 पे जो है उसका नाम है विजन। हम विजन को नंबर 8 पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि विजन के पास एक खास चीज़ है जो कि है माइंड स्टोन। और माइंड स्टोन के रहते हुए भी विजन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देख ही लिया इन्फिनिटी वॉर में उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाया गया, जहाँ विजन ने विजन बहुत बार मार खाता हुआ दिखाया गया। लेकिन हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, जब उसने थॉर का हैमर उठा लिया था तब उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगा। के पास एक इन्फिनिटी स्टोन होते हुए भी वो उसे इस्तेमाल करना नहीं सीखा पूरी तरह से, इसलिए हम विजन को नंबर 8 पर रख रहे हैं। नंबर 8 पर है टचला यानी ब्लैक पैंथर। हमने देख ही लिया ब्लैक पैंथर मूवी में ब्लैक पैंथर ने कैसा जो किलमोंगर को कितनी आसानी से उसने फाइट किया किलमोंगर के साथ, जो कि फाइटिंग स्टाइल में माहिर था। और साथ ही इन्फिनिटी वॉर में हमने देख लिया ब्लैक पैंथर ने कैसे आउटराइडर्स को मार रहा था, और जो सिविल वॉर में हमने उसका जो एक्शन देखा उससे तो ब्लैक पैंथर 7 नंबर डिजर्व करता है। और ब्लैक पैंथर के पास शूरी का टेक्नोलॉजी है और वाइब्रेनियम का उसका सूट है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, जो हमारे सामने नंबर 6 पे है वो है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका एक पावरफुल सुपर हीरो है जिसका पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिला था, जिसका 4 फुट 2 इंच का कैप्टन अमेरिका थे उसे 6 फुट 2 इंच बना दिया। और हम सभी जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और सुपर सोल्जर सीरम के कारण वो बहुत कम उम्र के लगते हैं। और हमने देख ही लिया कैप्टन अमेरिका को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो हर तरह के फाइटिंग स्टाइल में माहिर है कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देख लिया कि कैसे वो वकांडन आर्मी के साथ जो आउटराइडर्स को मार रहा था। और साथ ही कुछ समय के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए, कैप्टन अमेरिका ने थेनोस का हाथ भी पकड़ लिया था और उसे पीछे पुश करने में भी कामयाब हो गया था कुछ सेकंड के लिए। तो हम इसीलिए कैप्टन अमेरिका को नंबर 6 पर रखते हैं। नंबर 5 पे हमारे सामने वो कैरेक्टर है जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं। नंबर 5 पे हमारे सामने है हल्क। इस
हरे दानव के बारे में तो सभी जानते हैं, जिसके गुस्से के सामने कोई नहीं टिक सकता, जो हल्क इन्फिनिटी वार में उसने थैनोस से पिट गया, लेकिन वो उससे उस समय बुरी हालत में था। और साथ ही हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देख ही लिया कि हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसने जो आयरन मैन के हल्क बस्टर को भी कड़ी टक्कर दे दिया था। और हमने साथ ही थॉर रैग्नारोक में भी देख लिया वो थॉर के साथ कितनी देर तक टिका रहा। और हल्क को सभी जानते हैं, हल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में उसको इतना कम पावरफुल क्यों दिखाया गया, जो थैनोस के 2 अटैक से ही वो ढेर हो गया। लेकिन हमें आश है कि मार्वल वाले ये हल्क को जल्दी ही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को लेके आएगा फिल्म में। तो उसके साथ ही हमारे नंबर 4 पर जो कैरेक्टर है वो है स्कारलेट विच। तो बहुत लोग कहेंगे कि नंबर 4 पर स्कारलेट विच डिजर्व नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूँ, स्कारलेट विच जो है वो माइंड स्टोन से बना है और उसके पास टेलीपैथी, टेलीगेनेसिस और बहुत सारे ऐसे पावर है। हमने सिविल वॉर में देख ही लिया था कि किसने कैसे उसने जो विजन को माइंड से कंट्रोल कर लिया था, जिसके पास माइंड स्टोन होते हुए भी उसने विजन को कंट्रोल कर लिया था। और साथ ही एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हमने देखा है कि वो सबको दिमाग के साथ खेल रहा था और सबको पागल कर रहा था। और सिविल वॉर में भी देखा है कैप्टन आयरन मैन को वो कैसे प्यारियों के नीचे कुचल रहा था। इससे स्कारलेट विच नंबर 4 पर आ सकते हैं। और नंबर 3 पर जो है वो कैरेक्टर है आयरन मैन। अब इनको ये सभी का फेवरेट आयरन मैन, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आयरन मैन के पास हर तरह के आर्मर है और जो आयरन मैन के पास हर तरह के सिचुएशन के लिए एक आर्मर रेडी रहता है। और हमने देख ही लिया जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब हल्क पागल हो जाता है तो आयरन मैन कैसे हल्क को शांत करता है उसके हल्क बस्टर सूट में। और हमने इन्फिनिटी वॉर में भी देख लिया उसके पास ब्लीडिंग एज आर्मर है जो कि हर तरह के आर्मर में बदल सकता है। और आयरन मैन 3 में भी हमने देख लिया था जब लास्ट जो बैटल हो रहा था उसमें आयरन मैन के पास एक पूरी आयरन लीजेंड है, इसलिए आयरन मैन नंबर 3 पर रहता है। नंबर 2 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है, वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम में पीछे जा सकता है, टाइम में आगे जा सकता है। और हमने देख ही लिया जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में वो कैसे टाइम लूप बनाकर डोरमामू जैसे पावरफुल विलेन को भी हरा देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर मूवी में उसने 14 मिलियन बैटल भी देखे हैं और एक डॉक्टर स्ट्रेंज को ही पता है कि कौन सा प्लान काम करेगा थैनोस को हराने में। और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम लूप में फंसा कर किसी को भी हरा सकता है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को नंबर 2 पर रखा जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा इंसान है जो मरने के बाद भी वापस जिंदा हो सकता है, और हमने देखा भी है वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में और उसके एस्टेल फॉर्म को भी देखा है, तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज नंबर 2 पर डिजर्व करता है। और नंबर 1 पर एक ही इंसान रह सकता है, वो है थॉर, क्योंकि थॉर को हम सब जानते हैं वो एक एसगार्डियन गॉड है। थॉर के पास पहले हैमर था, उसकी ताकत को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन हैमर टूटने के बाद हमने थॉर रैग्नारोक में भी देख लिया कि वो सिर्फ उसके ताकत को कंट्रोल करता था, लेकिन थॉर बता दिया कि वो हैमर का देवता नहीं, वो बिजली का देवता है। और थॉर के पास अभी एक नया जो वेपन है वो आ गया है स्ट्रॉम ब्रेकर, उससे थॉर को बहुत ही ज़्यादा पावर मिलता है और थॉर एक अनब्रीडलेबल हो जाता है। थॉर एक एस गार्डियन है और थॉर अपने स्ट्रॉम ब्रेकर से कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और इससे भी अगर नहीं होता तो हमने देख ही लिया इन्फिनिटी वॉर में वो कितनी देर तक एक स्टार के सामने खड़ा हुआ था और उसके गर्मी को झेल रहा था। तो इससे थॉर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो जाता है। और इन्फिनिटी वॉर में भी हमने देख लिया जब थैनोस ने 6 स्टोन के साथ उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकर थॉर के जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकर है वो थैनोस के अटैक को आराम से झेल रहा था और वो थैनोस को काफ़ी हद तक मारने में भी कामयाब हो गया था, इसलिए थॉर नंबर 1 पर रहता है। तो इस लिस्ट में से अगर आपको कोई भी कैरेक्टर मिसिंग लगा और किसी को अगर आप
चाहते हो कि ये नंबर पे डिजर्व नहीं करता, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपके हिसाब से कोई रह गया है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।